हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे साहो के ट्रेलर के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी कोमल आर्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद कीजिएगा। दोस्तों, साहो का जब टीजर आउट हुआ था उसी समय लोग दीवाने हो गए थे। एक्चुअली जब उसकी फोटोग्राफ्स भी आने लगी थी तब भी दीवाने हो चुके थे, क्योंकि प्रभास है एंड जिनकी पहली हिंदी फिल्म यह है, उन्हें हिंदी ऑडियंस ने बाहुबली और बाहुबली टू द कंक्लूजन में देख लिया था एंड उनके दीवाने बन ही गए थे। अदरवाइज आप सोच सकते हैं कि एक हीरो के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, जो हीरो इससे पहले हिंदी फिल्म में आया ही ना हो, ही इज अ न्यू कमर इन दैट सेंस, बट ही इज नॉट अ न्यू कमर क्योंकि आपने इन्हें हिंदी डब्ड वर्जन ऑफ बाहुबली एंड बाहुबली 2 में देख लिया है। और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट साहो के लिए अगर है तो वो प्रभास की वजह से है। एंड ट्रेलर देखने के बाद प्रभास के अलावा दो तीन और भी पॉइंट्स स्टैंड आउट होते हैं। एक तो स्टाइल, बहुत स्टाइलाइज्ड फिल्म लगती है, बड़ी स्टाइल में शूट की गई फिल्म लगती है। दूसरा एक्साइटिंग पॉइंट है एक्शन। हम इंडियन ऑडियंसेस एक्शन फिल्मों के दीवाने हैं, मासेस को एक्शन फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं एंड सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में एक्शन फिल्में बहुत जम के बिजनेस करती हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ऑफ कोर्स कोई भी एक्शन फिल्म बिजनेस कर ले ऐसा नहीं होता है, अगर वो अच्छी एक्शन फिल्म हो तो मासेस को बेहद पसंद आती है और इस वजह से सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में ऐसी फिल्मों का बिजनेस फैंटास्टिक होता है। ये फिल्म क्योंकि स्टाइलाइज्ड भी है इसलिए मल्टीप्लेक्सेस में भी ये एक्शन फिल्म अच्छा बिजनेस कर सकती है, बशर्त इसका कंटेंट बढ़िया हो। तो एक्शन इज अनदर सेलिंग पॉइंट ऑफ द फिल्म एंड ट्रेलर में एक्शन ऐसा माइंड ब्लोइंग लग रहा है कि हमें ऐसे लगता है कि ऑडियंस दीवानी हो जाएगी। अनदर वेरी गुड पॉइंट ऑफ द फिल्म फ्रॉम द ट्रेलर सीम्स टू बी इट्स बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा ही अनोखा बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही एंगेजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है। कभी कभी क्या होता है, सीन्स बड़े मजेदार होते हैं लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक का इंपैक्ट नहीं आता है। बैकग्राउंड म्यूजिक के मायने हैं कि आपके सीन्स को वो उभारे, आपके सीन्स को एनहांस करे, और इस फिल्म के ट्रेलर से ऐसे लगता है कि जो एक्शन सीन्स है उन्हें बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही इंपैक्टफुल बना रहा है, बहुत ही इफेक्टिव बना रहा है। देन देयर इज ऑफकोर्स श्रद्धा कपूर। इससे पहले श्रद्धा कपूर ने इस किस्म का रोल शायद प्ले नहीं किया है और इसलिए उनके लिए भी ये एक बहुत ही अलग और अनोखी फिल्म है। तो 30th अगस्त को जब साहो रिलीज होगी, एंड माइंड यू 30th अगस्त इज द रिलीज डे, हमारे ट्रेड में काफी अफवाहें हैं कि साहो अब 30th अगस्त को भी शायद रिलीज नहीं होगी, बट दोज रूमर्स आर बेसलेस, साहो 30th अगस्त को ही रिलीज होगी। तो 30th अगस्त को पता चलेगा कि ये जो एक्साइटमेंट इस फिल्म के लिए है, फिल्म उस एक्साइटमेंट पर खरी उतरती है या नहीं उतरती है। यह हमने आपको पहले भी बताया था और अभी वापस रिपीट करते हैं, साहो का बजट करीब 320-325 करोड़ का है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, साउंड में कोई गलती नहीं है, द बजट ऑफ साहो इज 320-325 करोड़। लेकिन यह फिल्म केवल हिंदी में नहीं बनी है, हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी बनी है, यानी तीन लैंग्वेजेस को मिलाकर बजट 320-325 करोड़ का है। बड़े बजट की फिल्म है लेकिन ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि शायद बिजनेस भी उतना ही बड़ा हो क्योंकि क्रेज उतनी ही बड़ी है। प्रभास के लिए जो लव और अफेक्शन है उतना ही ज्यादा है, उतना ही बड़ा है। दोस्तों, आपको हमारा ये ट्रेलर टॉक का वीडियो यानी साहो के ट्रेलर का वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट सेक्शन में अपने कॉमेंट्स पोस्ट करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।